जैसे कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी कहाँ सपोर्ट लेगा, मैंने बोला था एग्जैक्टली ये लेवल से घूमना चाहिए, और देखो यही से खुलने के बाद नीचे गया और फिर उसमें रिकवरी हमें दिखी है। तो अभी निफ्टी का तो ये हो गया, और मैंने कल के वीडियो में बोला था आपको कि पॉलीप्लेक्स पे नजर रखो, पॉलीप्लेक्स खरीदना है। और आज के दिन में पॉलीप्लेक्स का चार्ट देखिए, 1750 के आसपास से घुमा और 1900 के ऊपर, मतलब ओपन होता है 1800 और 1913 का हाई लगाता है, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर ये जाता है आज के दिन में, 113 पॉइंट। तो पॉलीप्लेक्स भी अच्छा चला, और पॉली मेडिक्योर भी बोला था आपको लेने के लिए, वो भी बढ़िया परफॉर्म किया है आज के दिन में। इसलिए मैं बोलता हूँ हर वीडियो आपने देखना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट आपको जरूर मिलेगा। अब हम देखते हैं केपीआईटी टेक। अब केपीआईटी टेक में क्या हो रहा है, केपीआईटी टेक में एक तो मुझे ये डबल टॉप लग रहा है। अब डबल टॉप मतलब एक बार यहाँ आया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे गिरा, फिर रिकवरी आती है, यहाँ से ही वो नीचे आता है। अब अगर केपीआईटी टेक ये लेवल के नीचे बंद होता है, 425 के नीचे केपीआईटी टेक बंद हुआ, तो इसमें रिस्क बढ़ जाएगा, इसमें से निकलने के सोचेंगे तब। पर अभी तक इसमें बेचने वाली कोई बात नहीं है, केपीआईटी टेक बहुत स्ट्रांग काउंटर है, फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए भी आप इसे रख सकते हो, ये अच्छे रिटर्न देगा। पर शॉर्ट टर्म में ये डबल टॉप बन सकता है, यहाँ से नीचे, और ये फिर से यहीं से नीचे आया है, तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट, स्ट्रांग होने के चांसेस होते हैं इसमें। इसीलिए ये लेवल याद रखो। अभी एग्जैक्ट लेवल आपको मैं बताने जाऊँ तो केपीआईटी टेक का एग्जैक्ट लेवल आता है 422। अगर 422 के नीचे क्लोजिंग आती है तो ये बहुत जोर से टूटेगा, तब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसमें से निकल जाइए, लॉन्ग टर्म वाले आराम से इसे होल्ड कर सकते, आराम से इसमें टारगेट आने वाले कुछ सालों में अपना जो 1000 रुपये का टारगेट है वो भी आपको देखने मिलेगा।